डिप्टी सीएम ने जिले को दी 625 करोड़ की सौगात। दिल्ली हिंसा का जनता की अदालत में होगा फैसला। यूपी के कौशाम्बी जिला मुख्यालय स्थित डाइट मैदान पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद बटन दबाकर 386.5 करोड़ की लागत से 75 सड़कों का लोकार्पण व 239.26 करोड़ की लागत से 26 सड़कों का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ने 625.31 करोड़ की कुल 101 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। अपने गृह जनपद की जनता से रूबरू होते हुए कहा कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि विकास हो। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले जो सड़क बनती थी आज बने कल उखड़ जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्व का अनादर करने वालों का जनता की अदालत में हिसाब होगा, चाहे वह सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा करेगी, उसका आने वाले पंचायत चुनाव में जनता जवाब देगी। बात यह है कि 600 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया। बहुत सारी परियोजनाएं भविष्य में और आने वाली, मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शुरू हो जाए और विकास की जो गंगा है वो तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे और आने वाले समय में कौशाम्बी औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़ा है वो औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, इसका विकास। यूपी पंचायत चुनाव कब तक होने के आसार हैं? यूपी पंचायत चुनाव कब तक होने के आसार हैं? आ जाएगी सूचना, पहले होगा माननीय जो दिल्ली में पहले होगा कि बाद में होगा? बोर्ड एग्जाम पहले पंचायत चुनाव होगा कि चुनाव के बाद? सूचना आ जाएगी। इस निर्णय अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का शुरुआत है जो दिल्ली में किसानों ने इतना उपद्रव किया, इसकी सजा जो भी कल की दुर्घटना और कल के हमला और कल के राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय पर्व का अनादर करने वालों के द्वारा जो कुकृत्य किया गया है उसका समर्थन किसी भी भाषा में, चाहे कांग्रेस करेगी, सपा करेगी, बसपा करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी, उसकी सजा उत्तर प्रदेश और देश की जनता आने वाले समय में जब जनता की अदालत में आना पड़ेगा उनको उस समय दिया जाएगा। माननीय जी, कौशाम्बी में सड़कों का जाल तो बिछा हुआ है, लेकिन कुछ ग्रामीण अंचल की ऐसी सड़कें हैं जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने बताया 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और नगर क्षेत्र। पिछले समय मैंने कहा आलोचना में मैं विश्वास नहीं रखता, काम करने में रखता हूँ। पिछले समय सड़कें बनी नहीं थी, कागज में दिखी थी लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो कैसे सब हम ठीक कर सके इसका हम प्रयास करें।